वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। बच्चों, मैं उमेश सेंड्रा आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स को EVS लव योर नेचर द नेम ऑफ द बुक एंड द लेसन इज प्लांट्स लाइफ। प्लांट्स का जीवन लेसन नंबर 10। प्लांट्स हैव डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। प्लांट्स के अलग अलग साइज और शेप होते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी बिग, कुछ प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं। सम दे आर कॉल्ड ट्रीज, उनको ट्रीज बोलते हैं। सम प्लांट्स आर बिग बट स्मॉलर देन ट्रीज, कुछ पेड़ बड़े होते हैं लेकिन ट्रीज से थोड़े छोटे होते हैं उन्हें, और कुछ प्लांट्स बहुत छोटे हैं। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, कुछ प्लांट तो बहुत छोटे होते हैं। वेरी स्मॉल प्लांट्स, जो सबसे छोटे स्मॉल जो प्लांट होते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं। ग्रास, घास एंड स्पेनिश और वेरी स्मॉल प्लांट्स, बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं। दे आर कॉल्ड हर्ब्स, इनको हर्ब्स बोला जाता है। HERBS हर्ब्स। बिग प्लांट्स, बड़े पौधे। सम प्लांट्स आर बिग, कुछ बड़े पौधे होते हैं। रोज, जैस्मिन एंड ब्रिंजल आर बिग प्लांट्स, कुछ बड़े पौधे होते हैं। दे आर कॉल्ड शर्ब्स, इनको शर्ब्स कहा जाता है। यानी घास से थोड़े बड़े जैसे रोज प्लांट है वो श्रब बोला जाएगा, और बाकी पपाया, बनाना, गुलमोहर ये ट्रीज हैं, क्योंकि ट्रीज बड़े पौधे होते हैं। वेरी बिग प्लांट्स, बनाना, गुलमोहर एंड पपाया आर वेरी बिग प्लांट्स, ये बड़े पौधे होते हैं। देर आर कॉल्ड ट्रीज, इनको ट्री बोला जाता है। ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, ट्रीज बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। दे स्टैंड स्ट्रेट, वो सीधे खड़े होते हैं अपने आप ही। टॉल ट्रीज ऑफ कोकोनट, पाम, अशोका, बनियान एंड मैंगो आर गिवन ब्लो, बड़े पौधे जिनमें कोकोनट, पाम, अशोका, बनियान एंड मैंगो ट्री आर गिवन ब्लो, ये मैंगो ट्री ये नीचे दिए गए हैं। मैंगो ट्री, आई लाइक मैंगो वेरी मच, डू यू लाइक, क्या आपको भी पसंद है? अगर पसंद हो तो डेफिनेटली आप मैंगो भी खाइएगा और मैंगो ट्री भी एक बार देख करके ज़रूर आएँ। ओके, क्लाइंबर्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स आर वीक, कुछ जो प्लांट्स हैं कुछ कमज़ोर होते हैं। सो दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, वो सीधे नहीं खड़े हो सकते। दे नीड सम सपोर्ट, उन्हें कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड, ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है क्लाइंबर्स, इन्हें क्लाइंबर्स बोलते हैं, और ट्वीनर्स या उन्हें ट्वीनर्स भी बोलते हैं। ग्रेपवाइन, अंगूर की बेल, बीन प्लांट्स एंड पी प्लांट्स आर क्लाइंबर्स, ये पी प्लांट्स, बीन प्लांट्स सब क्लाइंबर्स होते हैं। ग्रेप्स, आई लाइक ग्रेप्स वेरी मच, बहुत पसंद है मुझे ग्रेप्स। बच्चों, ग्रेप्स जो प्लांट होता है वो क्लाइंबर होता है। राइट द नेम ऑफ एनी टू फ्रूट्स हैविंग वन सीड ईच, कुछ फ्रूट्स के नाम लिखो जिनके अंदर केवल एक ही सीड होता है। मैंगो के अंदर एक ही सीड होता है ना, एक ही बीज होता है, ऐसी पाम के अंदर भी एक ही बीज होता है, एक सीड होता है। थॉर्नी प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर थॉर्न यानी कांटे होते हैं। सम प्लांट्स लाइक कैक्टस हैव थॉर्न्स, कुछ प्लांट्स जैसे कैक्टस उनके ऊपर थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को थॉर्नी प्लांट्स कहा जाता है। एनिमल्स डू नॉट ईट दीज प्लांट्स, जानवर इनको नहीं खाते हैं। रोज, बोगनविलिया, लेमन एंड दोरांटा हैव थॉर्न्स, इन सभी के थॉर्न्स होते हैं, सब प्लांट्स हैं इनके थॉर्न्स होते हैं। लीव्स ऑफ प्लांट्स, पौधों की पत्तियाँ, मोस्ट प्लांट्स हैव लीव्स, अधिकतर प्लांट्स में लीव्स पत्तियाँ होती हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह की पत्तियाँ होती हैं। सम लीव्स आर बिग, कुछ पत्तियाँ बड़ी होती हैं। सम लीव्स आर स्मॉल, कुछ पत्तियाँ छोटी होती हैं। सी द शेप ऑफ द वेरियस लीव्स केयरफुली, और अलग अलग प्लांट्स की जो है ना पत्तियों को आप केयरफुल तरीके से देखें। बनाना मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक बनाना वेरी मच। और पता है बनाना ट्रीज का जो लीफ होती है वो बहुत बड़ी होती है। आप अपने पापा के साथ या अपने फैमिली मेंबर के साथ जाकर के और एक बनाना का ट्री देखना है ना, और बनाना का ट्री ऐसा ट्री होता है जिसके अंदर वुड नहीं होती, लकड़ी नहीं होती है, एक ऐसा ट्री होता है जिसके अंदर लकड़ी होती ही नहीं है, है ना, और इसकी पत्तियाँ बहुत बहुत बड़ी होती हैं। नीम, मैंगो, लोटस,
पीपल, रोज़, इन सब की पत्तियाँ अलग अलग शेप की होती हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, बच्चों इन फैक्ट्स को याद रख करेंगे। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, प्लांट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, प्लांट्स की अलग अलग शेप होती है। ट्रीज स्टैंड अपराइट, स्टैंड अप स्ट्रेट, और ट्रीज सीधे सीधे खड़े होते हैं स्ट्रेट। क्लाइंबर्स आर वीक प्लांट्स, क्लाइंबर्स कमज़ोर प्लांट होते हैं, दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड अप, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है खड़े होने के लिए। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव, अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग तरह की लीव होती हैं। टेस्ट योर सेल्फ, आपको इस चैप्टर से कितनी नॉलेज हुई इसको आप टेस्ट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, इन बॉक्स जो बॉक्स के अंदर वर्ड्स दिए गए हैं इनको इसके अंदर फिल करेंगे जो सेंटेंस दिए गए हैं। क्लाइंबर्स, थॉर्न्स, लीव्स, ट्रीज, स्ट्रेट शेप्स। क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड अप डेफिनेटली, डोरंटा हैज थॉर्न्स एंड ट्रीज कैन स्टैंड स्ट्रेट। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव लीव्स, वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स एंड कार ट्रीज। राइट वन वर्ड फॉर ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस के लिए एक वर्ड, वन वर्ड लिखेंगे, एक शब्द लिखेंगे आप। प्लांट्स विच आर वेरी स्मॉल, उन्हें क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं। द प्लांट्स विच आर बिग, उन्हें हर्ब्स बोलते हैं वेरी स्मॉल को, और बिग प्लांट्स को श्रब्स बोलते हैं। द प्लांट्स विच कैन नॉट स्टैंड बाई देमसेल्फ, उन्हें क्लाइंबर्स बोलते हैं। द प्लांट्स विच आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, उन्हें ट्रीज बोलते हैं। ट्रू एंड फॉल्स, ऑल प्लांट्स आर स्मॉल, फॉल्स, सभी स्मॉल नहीं होते। ऑल लीव्स आर ऑफ द सेम साइज, सभी पत्तियाँ एक ही साइज़ की होती हैं, फॉल्स नहीं, अलग अलग साइज़ की होती हैं। और ग्रेप वाइन इज ए ट्री, ग्रेप वाइन ट्री नहीं होती, क्लाइंबर्स होता है। द पाम ग्रोज स्ट्रेट अप, यस ट्रू। क्लाइंबर्स स्टैंड अप लाइक ट्री, फॉल्स। मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी, ओके। ग्रास एंड स्पिनच आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, ट्रीज आर वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, आर रोज प्लांट has thorns, beans plants, bean plants are climber, plants are of different kinds. Go to the garden and break and or a park with your parents. आप किसी park में या garden में अपने parents के साथ जाएं, collect leaves of different plants, अलग अलग plants की leaves आप तोड़ें, पत्तियाँ collect करें, press them, उन्हें दबाएं, paste them इन योर स्क्रैप बुक, और अपनी स्क्रैप बुक में उन्हें लगाएं। एंड नेम देम, और उनको उनका नाम लिखें, ये कौन कौन से प्लांट की लीव्स हैं। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर बीइंग विद मी, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन, एंड द नेम ऑफ द लेसन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेसन, इज प्लांट्स लाइफ। ओके, रीड दिस लेसन अगेन एंड अगेन। थैंक यू।